हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान में, ये अहद करते हैं कि बेटियों बेटों के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं करेंगे, कोई इम्तियाज नहीं करेंगे और बेटियों के और बेटियों की पामाली के खिलाफ बाकायदा बाकायदा तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे और उनके खिलाफ किसी भी तरह का उनके बेटियां वो चिराग हैं, उनके बेटियां वो चिराग हैं जिनसे घर रोशन होता है बेटी जरूरत नहीं बेटी पढ़ाओ हमारा जो एक हफ्ते का प्रोग्राम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये आप लोगों के लिए जितना है उतना ही हम सब पुंछ के जितने भी लोग हैं सबके लिए है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि किसी बच्ची के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ जो है अगर उसको पढ़ने का सही मौका नहीं मिल रहा है तो आपने उसके खिलाफ खुद भी आवाज़ उठानी है, आपने उसके साथ उसके खिलाफ एज ए बहन आवाज़ उठानी है, एज ए हो सकता है कहीं आपके पड़ोसी हो आपने ऐसे पड़ोसी आवाज़ उठानी है और इंश्योर करना है कि बेटी और बेटों के बीच में कोई डिफरेंस ना किया जाए। ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, एज ए बच्ची आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारे पुंछ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो हमारा जो पुंछ में जो औरतों का और मर्दों का जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है, हमारे हिंदुस्तान में तो ख़राब है ही, वहाँ पर 1000 लोगों के खिलाफ 907 लड़कियां हैं, तो हमारे पुंछ में और ख़राब है, हमारा 893 है तो हमारा और पुअर है। तो हमने इंश्योर करना है कि जो हमारे समाज में अभी भी बुराइयां हैं कि लोग लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या फिर कई बार होता है कि बच्चियों को कई बार जो है उनका अगर पता चल जाता है कि बच्ची है तो एबॉर्शन ही करा देते हैं। अगर आपको भी इस टाइप की कोई चीज़ पता चले तो उसमें आपने हमें बताना है, आपने किसी ना किसी को जो जिम्मेदार इंसान है उसको बताना है और लोगों को समझाना भी है कि बच्ची और बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारा जो एक वीक की जो मुहिम रहेगी इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, इसमें जो बच्चियाँ हमारा जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको हम अवार्ड भी देंगे। इसके अलावा और भी अगर किसी सेगमेंट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइएगा, वो भी आपकी जो है जो भी मदद हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से वो की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बेसिकली क्योंकि अगर आप अपने जम्मू एंड कश्मीर का ही लें तो आपके यहाँ लेडी ने हमारा कंट्री भी चलाया है, वो पीएम रही है, राष्ट्रपति भी रही है, तो लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी भी वो एक लेडी है, आपने उनसे सीख लेनी है, उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। ये सब में सब हमारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि बैडमिंटन में हमने काफ़ी अच्छा किया, दूसरे गेम में हमने काफ़ी अच्छा करना चाहते हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, अगर आपने देखा हो तो चलो बच्चा पता है कि हमारे पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक मुहिम चली हुई है, उसमें पहले कुछ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, उसमें 50 डिस्ट्रिक्ट पहले लिए गए थे, फिर उसको एक्सपेंड किया गया, 100 डिस्ट्रिक्ट लिए गए और उसके बाद उसमें अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो उसी मुहिम के तहत हमारे पुंछ में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुए और इसी कड़ी में हम अगले एक हफ्ते तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। 24th को हमारा गर्ल्स चाइल्ड डे भी है, उस दिन भी प्रोग्राम किए जाएंगे जिसमें जिन बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको इनामात भी दिए जाएंगे और इसके अलावा
अलावा किसी भी फील्ड में अगर कोई बच्ची अच्छा करती है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और इसी में हमने एक डिटेल एक्टिविटी चार्ट ऑफ एक्टिविटी बनाया है, इसमें पीओ आईसीडीएस साहब ने और सीडीपीओ हवेली जो है उन्होंने जो एक चार्ट ऑफ एक्टिविटी बनाया जिसमें अलग अलग एक्टिविटी हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, कुछ सीएमओ साहब की, कुछ सीओ साहब की, या फिर कुछ हमारे गेम्स की, कि किस तरीके से हमने जो है इंश्योर करना है कि बच्चियों को ना केवल बेहतर मौके मिले बल्कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बच्चों से भी आगे बढ़कर परफॉर्म करें। हमारी जो रैली है ये बेसिकली एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है 21st से लेकर 26th तक। ये है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो लॉन्च हुई है, उस पर ये प्रोग्राम मिनिस्टर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री बनाने के लिए बोला है। तो उसी तरह हम भी यहाँ पे उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये प्रोग्राम रखा है। आज जो हमारी ये एक वॉकथॉन रैली है जो लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि गर्ल चाइल्ड जो है उसकी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना है कि मेल चाइल्ड की है। तो ये हमारे मुल्क में जो अभी सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, तो वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सके, अच्छी तालीम दी जा सके, उनकी अच्छी केयर की जा सके, इसलिए हमने ये एक रैली रखी है बच्चों की। तो इस तरह हमारे दूसरी पूरे वीक लॉन्ग कैलेंडर बना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, वो हम करने जा रहे हैं। कि इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद यहाँ पर पुंछ में जो है एक वीक जो मनाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर आज यहाँ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शीश महल से एक रैली जो है वो निकाली गई है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसको फ्लैग ऑफ किया है वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल यादव जी ने। और यहाँ ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ सीडीपीओ आईसीडीएस, उन्होंने किया है, जिसको हेड कर रहे हैं जहांगीर अहमद खान साहब जो सीडीपीओ है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि बच्चों में इतना उत्साह है ये इस चीज़ को लेकर है कि बेटी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे हाल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है, उसको लेकर आज यहाँ पर प्लेज की गई है। उसी सिलसिले में आज जो है ये रैली यहाँ पर निकाली, हमारे स्कूल शीश महल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से रैली निकाली जा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ हमारे लिए किया जा रहा है, हमें बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतनी बारिश के मौसम में, इतनी सर्दी में हम तभी भी जा रहे हैं रैली के साथ, हमें बहुत अच्छा। आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसी रैलियाँ ऐसी लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज हो, कुछ ना कुछ।